हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सनसुई की LCD है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये सनसुई की LCD है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो है स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है। हम इसमें देखेंगे और रिपेयर करेंगे किस तरीके से हमारी कहाँ पे ये प्रॉब्लम आई हुई है स्टैंड बाई की। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं वायर लगा लेता हूँ, ये मैंने लगा लिया और यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइट यहाँ पे जलेगी, जो कि ये जली हुई है रेड लाइट। एक मिनट, ये देख सकते हैं रेड लाइट जली हुई है यहाँ पे। ये और बाकी ये मेरा स्टैंड बाई का यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंड बाई, तो मैं इसको यहाँ पे प्रेस भी करता हूँ तो मेरा स्टैंड बाई रिलीज होता है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको कई बार प्रेस कर रहा हूँ लेकिन स्टैंड बाई मेरा रिलीज नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे कि फॉल्ट कहीं में है, हमारे मदरबोर्ड से स्टैंड बाई रिलीज नहीं हो रहा है या और कोई कहीं पे कोई समस्या है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। तो दोस्तों अब बनाते हैं, इसके पहले मैं पूरी जो डस्ट है धूल है उसको यहाँ पे साफ कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे पूरा क्लीन कर लिया है, जो भी इसकी डस्ट थी ब्लोर से सारी डस्ट मैंने यहाँ पे हटा दी है। अब हम बात करते हैं इसकी रिपेयरिंग के ऊपर। तो फाइनली मैं आपको बता दूँ कि ये हमारी पावर सप्लाई है जो कि हमारी बैक लाइट को भी जला रही है, क्योंकि इधर का सेक्शन हमारा इतना बैक लाइट के लिए है, ये दोनों बैक लाइट के हमारे स्ट्रिप लगी हुई हैं जो सीधा अंदर गई है। और यह वाला जो पत्ता है हमारा, जो वायर है वो हमारा मेन बोर्ड के तरफ को गया है और इसमें जो वोल्टेज की हमारी रिक्वायर होती है उसको ये यहाँ पे से प्रोवाइड करता है। ये हमारा LVDS का केबल है जो कि हमारा पैनल के तरफ को जाता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसमें इस टाइम पे जो पोजिशन है वो है हमारी स्टैंड बाई की, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वायर लगा के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टैंड बाई की पोजीशन है और ये हमारी यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा था स्टैंड बाई, रिमोट इसका है नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉल्ट हमारा मेन बोर्ड से है या कुछ और है। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको कुछ बता दूँ कि जो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि स्टैंड बाई लाइट जल रही है, तो स्टैंड बाई लाइट जलने का मतलब ये है कि हमारे जो 12 वोल्ट 5 वोल्ट हैं वो हमारे बन रहे हैं। तो जैसे ही अगर यहाँ से स्टैंड बाई हमारा रिलीज होता है तो वो हमारा इस IC को सिग्नल जाता है और उसके बाद हमारा स्टैंड बाई रिलीज होगा और हमारा सेट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ वोल्टेजों को चेक ना करके हम पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। तो ये हमारा स्विच है और यहाँ पे हमारा स्टैंड बाई का है, तो ये यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। तो मैं एक चिमटी ले लेता हूँ ये इस तरीके की, शायद स्विच हमारा ख़राब हो। तो मैं यहाँ पे इसको टच करता हूँ, मेरा देख रहे चिमटी में भी आपको रेड लाइट दिख रही होगी, तो मैं इसको इस तरीके से आपस में शॉर्ट करता हूँ और रेड लाइट देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ब्लू लाइट हो चुकी है। TV से भी हमारी साउंड आ चुका है, तो मैं एक बार डिस्प्ले देख लेता हूँ कि क्या हमारा डिस्प्ले आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं AV डिस्प्ले हमारा यहाँ पे आ चुका है, पूरी हमारी नीली स्क्रीन आ रही है, नो सिग्नल का यहाँ पे साइन दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई इनपुट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। स्टैंड बाई भी हमारा यहाँ पे रिलीज हो चुका है। तो जो प्रॉब्लम थी वो थी हमारी यहाँ पे स्विच में, जो ये स्विच है यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम थी। तो मैं जो ये इसका स्विच है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो हमारी यहाँ पे ओके हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर स्टैंड बाई जल रही है तो बहुत केस में तो क्या होता है, हमारी जो IC होती है रेगुलेटर, जो यहाँ पे आपकी 12 वोल्ट लेके 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट 1.82 जो भी वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज हमारी ब्लॉक हो जाती हैं या IC ख़राब हो जाती है, उस कारण से भी हमारा स्टैंड बाई यहाँ पे नहीं रिमूव होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका ही फॉल्ट था, यहाँ कोई बोर्ड वोड नहीं छेड़ा मैंने, कहीं कुछ चेक नहीं करा, तो शुरुआत हमने यहाँ से करी और हमारा काम बन गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और वीडियो में
चैनल में फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।